राम राम। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है कि एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल के अंदर बहुत सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे थे। उस जंगल के जितने भी जीव जंतु थे, उन जीव जंतुओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। समस्या ये थी कि वहां एक बहुत ही विशालकाय अजगर रहता था। जब भी वो अजगर अपने बिल से निकलकर फुंकारता था, तो सारे जीव जंतु अपनी जान बचाने के लिए भाग चलते। इसी भागदौड़ी में कई जीव जंतुओं को चोट भी आ जाती। सारे जीव जंतु इस समस्या से बहुत परेशान थे। एक दिन की बात है कि एक दिन एक हिरणी ने नवजात शिशु को जन्म दिया। उस नवजात शिशु को जन्म देने के बाद हिरणी ने अजगर के भय से उस नवजात शिशु को घास के नीचे दबा दिया और वो वहां से कुछ खाने का प्रबंध करने के लिए निकल पड़ी जंगल की ओर। कहते हैं जैसे ही हिरणी वहां से गई, थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक वही विशालकाय अजगर बाहर आया और बाहर आकर जोर जोर से फुंकारने लगा। उसकी फुंकार सुनकर सारे जीव जंतु भाग गए। कहते हैं उसका बहुत ही बड़ा मुंह था। उस मुंह के अंदर हिरण तक को वो निगल देता था। खरगोश वो हिरण वो सीधे ही निगल लेता था, इतना विशालकाय अजगर था। उसकी फुंकार सुनकर सारे जीव जंतु भाग गए। उसकी फुंकार के अंदर इतना तेज थी कि उसकी फुंकार से जो आसपास के घास थे वो घास उड़ने लगे और उसी के कारण जो हिरणी ने अपने बच्चे को घास के नीचे दबाया था, उस अजगर की फुंकार से वो घास के तिनके उड़ गए और हिरणी का बच्चा दिखने लगा। अजगर तो भूखा था और शिकार की तलाश के लिए बाहर निकला था, उसे भोजन चाहिए था। हिरणी का बच्चा नवजात था और छोटा सा था। वो उस अजगर से अपने सुरक्षा भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो वहीं लेटा रहा। अजगर आया और आते ही हिरणी के बच्चे के ऊपर झपट पड़ा और उस नवजात मासूम को निगल लिया। तब तक हिरणी भी आ गई। दूर खड़ी हिरणी बस तरसाई आंखों से उस अजगर की ओर देख रहे थे। मन ही मन बहुत ही कुंठित हो रहे थे, बहुत ही दुखी हो रहे थे। एक माँ का जीव माँ का ही होता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं, चाहे माँ किसी जीव की हो, चाहे जंतु की हो, चाहे मनुष्य की हो, चाहे राक्षस की हो, माँ माँ होती है। हिरणी अपनी आंखों के सामने अपने निजात नवजात शिशु को खो चुकी थी। हिरणी अब किसी भी सूरत में उस अजगर से बदला लेना चाहते थे, लेकिन वो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि उस विशालकाय अजगर से बदला ले सके। इसलिए हिरणी कुछ सोच विचार कर, हिरणी का एक मित्र था उसी जंगल के अंदर, उसका नाम था नेवला। हिरणी नेवले के पास गई और हम जानते हैं कि नेवले और सांप की परसों से दुश्मनी है। नेवले के पास गई और नेवले से जाकर कहा, हे मेरे मित्र नेवले, मेरे मासूम बच्चे को वो विशालकाय अजगर खा गया, क्या तुम मेरी कोई मदद करोगे? नेवले ने कहा, बहन, मैं मदद तो कर सकता था, लेकिन मित्र करूं क्या? मैं बहुत ही छोटा हूं और वो विशालकाय अजगर, उसने अगर एक ही पूंछ का एक ही फटकार मारी तो मैं तो चलता बनूंगा। हिरणी निराश हो गई। तभी झट से नेवला बोला, अरे बहन, निराश क्यों होती हो? मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही मैं सहायता नहीं कर सकता हूं तो क्या? मैं तुम्हारी सहायता किसी और से करवा दूंगा। हिरणी को थोड़ी सी आस बंद, बोली, किससे सहायता कराओगे? तभी नेवला बोला, बहन, यहां से थोड़ी दूर पर मेरी एक मित्र है चीटी। हिरणी नाम सुनते ही फिर उदास हो गए। तभी नेवला बोला, बहन, निराश क्यों होती हो?
उस चींटी के पास बहुत सारी चींटियां, एक विशाल सेना, उस सेना से हम बदला लेंगे। हिरणी ने ललचाई आंखों से नेवले की ओर देखा और कहा, वो हमारी सहायता क्यों करेगी? नेवले ने कहा, जिस प्रकार तुम मेरी मित्र हो उसी प्रकार वो भी मेरी मित्र है, इसलिए चलो अब हम चलते हैं चींटी रानी के पास। हिरणी और नेवला दोनों मिलकर के चींटी के पास गए। चींटी रानी अपने बिल पर बैठी थी। दोस्तों बच्चों, आप सब जानते हैं कि चींटियों का लीडर चीता नहीं होता है, चींटियों का लीडर चींटी रानी होती है। उनका नेतृत्व एक मादा चींटी करती है, ध्यान रखना हमेशा। तो नेवला और हिरणी दोनों मिलकर के चींटी रानी के पास गए, उनके पास गए, उनसे मिले, अभिवादन किया, इधर उधर की बातें की। अंत में नेवला बोला, चींटी रानी हम तुम्हारे पास एक सहायता लेने आए। चींटी रानी का बोली, नेवले मित्र क्या चाहिए इस मेरे से सहायता? चींटी रानी ने जो हिरणी के साथ घटना घटी थी बच्चे वाली, वो सारी कहानी चींटी को बता दी नेवले ने। चींटी रानी ने आ भरते हुए कहा, बहुत बुरा होगा ऐसे जीवों को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं जो किसी माँ की कोख को जलाता। हिरणी बोली, बहन मैं तुम्हारे पास एक बहुत ही आस भरी नजर से आई, मुझे निराश मत करना। चींटी ने कहा, ठीक है लेकिन एक शर्त है। हिरणी ने कहा, मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं, तुम मेरी मदद तो करो। चींटी ने कहा, ठीक है। चींटी रानी ने कहा, कल प्रातःकाल तुम ऐसा करना कि किसी तरीके से वो जो संकरा रास्ता देख रही है, उस हिरणी जहां हिरणी और नेवला रहता था उससे थोड़ी दूर पर एक संकरा रास्ता था दर्रटाई, उस संकरे रास्ते पर नुकीले पत्थर थे, सब चारों तरफ नुकीले पत्थर थे। उन नुकीले पत्थरों वाले रास्ते पर तुम है। चींटी ने कहा, उस अजगर को तुम किसी भी तरह वहां उस रास्ते पर ले आना, आगे का काम मेरा और मेरी सेना। ऐसा कहकर हिरणी और चींटी और नेवले ने आपस में एक दूसरे को अलविदा कहा और निकल पड़े। वापस रास्ते में आते आते हिरणी ने कहा, अब हम किस तरह अजगर को लाएंगे? नेवले ने कहा, यह काम मेरा, अब तुम बेफिक्र होकर उस अजगर की मौत का नजारा देखो। दूसरे दिन की बात, प्रातःकाल का सूर्य चढ़ा, सारे जानवर उठे, सारे जानवर रात पर सोए हुए थे, सुबह भोजन की तलाश में इधर उधर निकले। नेवला तैयारी में था, नेवला सीधे अजगर के बिल के पास चला गया और जाकर के अपनी ही आवाज में फुंकारने लगा। जैसे ही अपने दुश्मन की आवाज अजगर ने सुनी, अंदर से फुंकार भरते हुए बाहर निकला क्रोधित होकर। नेवला उसे चिढ़ाते हुए उसकी तरफ मुंह करके फुंकारे मारता और आगे निकल पड़ता। अजगर उसे मारने के लिए उसके पीछे निकल पड़ा। नेवले का टारगेट था वो नुकीले पत्थरों वाला रास्ता, नेवला उसकी तरफ भागा, अजगर भी उसके पीछे पीछे, नेवला आगे आगे। जब भी अजगर रुकता, नेवला पीछे मुड़कर उसे फिर चिढ़ाता। इसी क्रम में अजगर को बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा क्रोध होता। अजगर ने ये नहीं देखा कि मैं किधर जा रहा हूं, जाऊंगा तो मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा। अजगर ने ताव में आकर उसके पीछे निकल गया। इसीलिए तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना बच्चों, कि जब किसी भी कार्य को करने से पहले 7 बार सोचो विचार। इसीलिए जब भी किसी रास्ते पर जाएं, उससे पहले परखें, सोचें, समझें, पता करें, फिर उस रास्ते पर चले। जो अजगर ने गलती की वो आपका तब भी नहीं करना, निकल पड़ा वो अजगर पीछे पीछे, नेवला आगे आके। जैसे ही उस रास्ते पर अजगर गया तो नुकीले पत्थर थे, अजगर विशाल का था, विशाल का अजगर होना, अजगर तो था ही, साथ में उसे गुस्सा आया, वो फुंकारे मार मार करके दौड़ रहा था। तो उस दौड़ने के क्रम में कभी इधर का पत्थर लगता, कभी इधर का पत्थर, नुकीले थे। उस नुकीले पत्थरों के कारण अजगर का जगह जगह से खून निकला है, फिर भी अजगर रुका नहीं, गुस्से में तिल मिलाकर और भागता उसके पीछे, क्योंकि आगे चढ़ाने वाला नेवला था। ऐसा करते करते काफी बड़ी मात्रा में अजगर को चोटें आ गई।
जिस कारण जगह जगह से उसका शरीर चिल गया और मांस दिखने लग गया था। थोड़ी ही दूर जाने पर चींटियों का बेल था और चींटियां पहले से ही तैयार थी क्योंकि उन्होंने नेवले और हिरणी से जो वादा किया था। चींटियों की सेना ने उस लथपथ खून से लथपथ अजगर को देखा, उस पर हमला कर दिया, उसके मांस को काटने लगे। अब अजगर चींटी का कुछ कर नहीं सकता, करे तो किसका करे, चींटियां तो करोड़ों में थी। और चींटियों ने क्या किया, उस पर हमला करते गए और उसके मांस को काटते गए। सांप चींटियों को मारने के लिए कभी इधर फन मारता, कभी इधर पूंछ मारता, इस क्रम में इधर उधर करते थोड़ी देर में सांप का सत्यानाश हो गया, अजगर मारा गया। चारों तरफ जंगल में ये बात आग की तरह फैल गई, सारे जानवर खुश हो गए। इस प्रकार हिरणी और नेवले की सच्ची मित्रता ने उसका बदला पूरा किया। यहां सीखने वाली बात क्या, यहां सीखने वाली बात यह है सबसे पहले तो कि ये जरूरी नहीं कि आपका जो मित्र है वो आपकी उसका सामर्थ्य नहीं है, फिर भी उसे कई बार हम क्या करते हैं कि हम उसकी उसको देखकर आकलन कर लेते हैं कि ये काम आदमी ये नहीं कर सकता, या हमारे मित्र को देखकर हम कह सकते हैं उसके पास क्या है वो नहीं कर सकता, क्या पता वो कर सकते, वो नहीं कर सकता उसका कोई मित्र होगा। तो सबसे पहला ये ध्यान रखें, किसी को देखकर, किसी के शरीर को देखकर, किसी की उसकी पर्सनैलिटी देखकर उसका आकलन नहीं करें। नंबर दो, किसी को छोटा बड़ा ना समझें। हिरणी ने चींटियों को बहुत मामूली समझा कि अगर तुम इतने विशाल काय हो तुम मेरी सहायता नहीं कर सकते तो चींटियां क्या सहायता करती, जबकि चींटियों ने तो इतने विशाल काय अजगर को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। तीसरी बात, संगठन में जितनी शक्ति है उतनी कहीं, अगर एक दो चींटी होती तो कुछ नहीं, अकेली हिरणी उससे हजार गुना बड़ी थी चींटियों से, लेकिन कुछ नहीं कर पाई, लेकिन चींटी इतनी सी थी लेकिन वो एक संगठन में थी, उनके अंदर एकता थी, जिस कारण वो उसके ऊपर क्या पाई, विजय पा सकती। इसलिए दोस्तों कोशिश करना हमेशा संगठित रहे, किसी को गलत तरीके से आंखें नहीं। जय हिंद, राम राम, नमस्कार।